In this world, all things are divided into two categories, living and non-living. Living things have some features, and growing up is the one of them. जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, फोटो में आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आप ग्रोइंग अप मींस आप कैसे बढ़ते हैं, हम कैसे बढ़ते हैं, हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रो कैसे करता है, जो कि ये आपका एक फीचर है लिविंग थिंग्स का, ग्रोइंग, ग्रो, बढ़ना, जो आपका टाइम बाय टाइम, जैसे आप जब बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो काफी छोटे बेबी होता है, फिर वो टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे टाइम होता है, वो टाइम बाय टाइम ग्रोथ करता है, ठीक है। तो वो ग्रोथ करेगा तो आपको फिर आप खुद आप अपने घर में भी देखते होंगे, बच्चे जैसे आपके पैदा हुए, फिर वो थोड़ा सा बैठते भी हैं, फिर चलने लगते हैं, बड़े होते हैं, जैसे आप स्कूल आते हैं, फिर वो टाइम बाय टाइम ग्रोथ करके आपको एक कंप्लीट मैन बनते हैं, यानी कि ग्रोइंग अप। आप कैसे ग्रो करते हैं, इस पिक्चर से बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो काफी छोटे होते हैं, काफी बेबी होते हैं, जो कि मम्मी के सहारे या फिर दूसरे मेंबर्स के सहारे हम रहते हैं, और फिर धीरे धीरे टाइम बाय टाइम हम ग्रोथ करते हैं, तो ये हमारे अंदर ग्रोथ होता है। तो ये चीजें लिविंग थिंग्स की एक फीचर है, जैसे प्लांट्स भी होगा तो एक बेबी प्लांट्स होगा, और वो बेबी प्लांट्स जो होगा ग्रो करके एक बिग प्लांट्स, बड़े पौधे में चेंज होता है। वैसे ही कोई भी डॉग्स हो या एनिमल्स, किसी भी तरीके का एनिमल्स हो, वो एनिमल्स जो होता है वो आपको पहले उससे जब बर्थ होगा तो छोटा बच्चा होगा, छोटा लिटिल बेबी होगा, और फिर वो ग्रोथ करके अपने यंग स्टेज में पहुंचता है, बड़ा होता है। ये जनरल आपके फीचर से क्लियर हो रहा है। अब हम इस के अकॉर्डिंग आपको कुछ एक असाइनमेंट देंगे, जो कि आपको बनाना होगा अपने नोटबुक में, इसको आप क्लियरली नोट करेंगे वहां, और नोट करके एग्जैक्ट वैसे ही उसका आंसर देंगे और उसको असाइनमेंट को फुलफिल करेंगे। स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड, हियर पेस्ट योर पिक्चर व्हेन यू वेयर अ बेबी, जब आप छोटे थे, जब आप बॉर्न हुए थे, जब पैदा हुए थे आप, तो उस समय के आपके पास कोई भी फोटो होगा, फैमिली मम्मी से पूछ लेंगे, और वो फोटो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहां मतलब आप क्या करेंगे, सेम पिक्चर्स या सेम जो स्ट्रक्चर है अपने नोटबुक पे एक पेज पे तैयार करेंगे, एक पेज पे आपके एक तैयार करेंगे नोटबुक में, और वहां पे ये एक पिक्चर पेस्ट करने का स्पेस बनाएंगे, यहां भी और यहां भी। फर्स्ट में आपको पिक्चर पेस्ट करना है, पेस्ट योर पिक्चर व्हेन यू वेयर अ बेबी, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, उस समय का फोटो एक आपको कलेक्ट करना है और यहां पे पेस्ट करना है। सेकेंड, पेस्ट योर लेटेस्ट पिक्चर, अभी जब आप जितने बड़े हैं, अभी आपका लेटेस्ट एकदम, जैसे आपको स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको लेटेस्ट पिक्चर मांगा जाता है, वैसे ही आपके पास लेटेस्ट पिक्चर जो भी होगा उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर देना है, जैसे योर वेट व्हेन यू वर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे तो आपका वेट, वजन क्या था, 4 kg, 5 kg, 2 kg, जो भी है, 2 kg में, अब जो भी आपका हो यहां पे लिखेंगे केजीज में, ठीक है, किलोग्राम। योर प्रेजेंट वेट, और अभी आप कितने ग्राम के हैं या कितने किलो के हैं, ठीक है, योर प्रेजेंट वेट, अभी आपका वेट कितना है। थर्ड वन, हाउ टॉल यू वेयर ऑन योर फर्स्ट बर्थडे, आपका जो पहला बर्थडे हुआ था उस समय आप कितने हाइट के थे, कितने लंबे थे, अगर मेमोराइज हो तो आप उसको डालें अप्रोक्स कि हम इतने हाइट के थे, ठीक है, इसका आप पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। पहला आपका योर वेट व्हेन यू वेयर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे उस समय का आपका वेट, योर प्रेजेंट वेट, आज का आपका वेट, हाउ टॉल यू वेयर ऑन योर फर्स्ट बर्थडे, आपका जो पहला बर्थडे हुआ था उस समय का आपका हाइट क्या था, और बर्थडे जो हम बॉर्न करते हैं, जब पैदा होते हैं उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, तो उसको हम बर्थडे बोलते हैं। हाउ टॉल यू आर नाउ, और अभी आप कितने लंबे हैं या कितना हाइट है आपका, आपका प्रेजेंट हाइट, फर्स्ट बर्थडे का हाइट, योर प्रेजेंट वेट,
अभी का आपका वेट एंड योर वेट व्हेन यू वेर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे उस समय का वेट। इसको आप क्लियरली एक बार देख लें, इसको आप अपने नोटबुक में पेरेंट्स के हेल्प के थ्रू इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इस असाइनमेंट को पूरा करें। स्कूल जैसे ही ओपन होता है आपको ये सबमिट कर देना होगा स्कूल में। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड टॉपिक, माई फेवरेट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज फेवरेट, फेवरेट क्या है। अब आप टॉपिक देख रहे हैं माई फेवरेट थिंग्स, थिंग्स वस्तुएं चीजें कोई भी चीज, और पहला आपका फेवरेट। फेवरेट मीन्स क्या हुआ, फेवरेट मीन्स आपका मन पसंद, यानी कि जो आपको ज्यादा पसंद हो। एनी थिंग्स वी लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा जिसे हम पसंद करते हैं इज कॉल्ड फेवरेट, वो हमारा फेवरेट होता है। हर एवरी स्टूडेंट्स एवरी पर्सन का अलग अलग फेवरेट चीजें होती हैं। जैसे अगर किसी से पूछा जाए, आपसे भी पूछा जाए कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों का कलर एक ही फेवरेट हो। फेवरेट कलर अलग अलग हो सकते हैं, किसी का पिंक, किसी का ब्लू, किसी का येलो, तो ये आपका फेवरेट हुआ। तो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट पीपुल लाइक डिफरेंट गेम्स, जैसे अलग अलग जो पीपुल्स होते हैं या जो भी इंसान होते हैं डिफरेंट गेम्स, उनको अलग गेम्स पसंद होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट बुक्स, फूड एंड एक्टिविटीज, उनको एक्टिविटी भी अलग अलग पसंद होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान का, हर पीपल का एक ही आपको गेम्स पसंद हो, या कि कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई लूडो खेलता है, किसी को कैरम पसंद नहीं होता है तो लूडो पसंद होता है। दैट इज आवर फेवरेट थिंग्स, एनी एक्टिविटीज विच वन लाइक। अब आप क्या देखते हैं कि फेवरेट और हॉबी में क्या फर्क है, अब आप समझेंगे फेवरेट और हॉबी में क्या फर्क है। हॉबी क्या है, फेवरेट चीज क्या है। एनी एक्टिविटीज विच वन लाइक टू डू द मोस्ट, हमने पहले जैसे कहा कि कोई भी ऐसा चीज जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं करना, उसको आपको क्या बोलते हैं, फेवरेट, इज कॉल्ड हिज हर फेवरेट, यानी कि वो आपका मनपसंद चीज या मनपसंद कलर या जो भी हो वो होता है। इसको आप राइट डाउन भी कर लेंगे वीडियो पॉज करके, डिफिनेशन, एनी एक्टिविटीज विच वन लाइक्स टू डू द मोस्ट इज कॉल्ड हिज हर फेवरेट। एंड हॉबी, एनी एक्टिविटीज विच वन एंजॉय डूइंग द मोस्ट इन हिज हर फ्री टाइम इज कॉल्ड वन्स पास टाइम और हॉबी। इट मींस कि आपके पास जब फ्री टाइम हो, जब आप खाली बैठे हो, तो आपको क्या करने का मन कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा, जैसे बहुत सारे बच्चों को पेंटिंग करने का इच्छा होता है कि हम नहीं, हम खाली टाइम में है तो हम क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे, अभी पढ़ेंगे नहीं, हम पेंटिंग करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग बुक्स, मैगजीन्स एंड अदर अदर चीजों को पढ़ने की हॉबी होती है। कोई है खाली टाइम है, चलो भाई बैडमिंटन खेलते हैं, उनको ज्यादा खेलना पसंद होता है। तो वो जो खाली टाइम में जो चीज हम लोग करना चाहते हैं, जिसको हम लोग करते हैं, वो आपका हॉबी कहलाता है, कि वो चीजें आपका हॉबी है। जैसे बहुत लोगों को खाली टाइम में थोड़ा सा टहलना पसंद होगा, नहीं हम किसी पार्क में जाएं वहां बैठे, तो उनका हॉबी हुआ, ठीक है, उसी तरीके से। और फेवरेट क्या हुआ कि कोई भी हर चीज जो आपको ज्यादा पसंद है वो उसका फेवरेट होता है। कलर फेवरेट हो सकता है, कोई भी, जैसे बच्चों को आइसक्रीम दिया जाए या फिर अदर चॉकलेट्स दिया जाए तो क्या पसंद होगा उनको, तो वो पसंद क्या होगा, मोस्टली आइसक्रीम पसंद होगा। तो क्या हुआ आपका, चॉकलेट और आइसक्रीम में आपका आइसक्रीम फेवरेट हो गया, चॉकलेट नहीं। तो ये आपका कुछ ऑन द माई फेवरेट थिंग्स पे आपका कुछ असाइनमेंट्स है। इस असाइनमेंट्स को आप पूरा करेंगे, डिफिनेशन को लिखेंगे, इसको याद करेंगे, हॉबी और पास्ट टाइम क्या होता है, आपको फेवरेट क्या होता है, एंड नोट दिस होम असाइनमेंट फॉर क्लास टू, फेवरेट कार्टून। कुछ चीजें याद दी गई हैं जो आप अपने फेवरेट थिंग्स को लिखेंगे कि आपका फेवरेट कार्टून क्या है, फेवरेट कार्टून, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, अपने कलर का, फेवरेट कलर का हर स्टूडेंट अपना अलग अलग लिखेगा। फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है। फेवरेट टॉय, आपका खिलौना कौन सा खिलौना ऐसा है जो आपको ज्यादा मोस्ट फेवरेट है। फेवरेट टीचर, आपके क्लास में या आपके स्कूल में जो भी टीचर्स हैं उसमें से कौन से टीचर आपके सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, फेवरेट है, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड आंसर। अनदर असाइनमेंट फॉर क्लास टू,
इंफॉर्मेशन अबाउट मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मीन्स अपने बारे में जो भी जानकारी है उसको बताएं आप, कि आपका जैसे आप बताएं मेरा नाम क्या है, या आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट मी, हमारे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको हम कहेंगे हेलो माय नेम इज। हम मिलते हैं किसी से तो हम अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वही कुछ आपके इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपको फिल करना है। इसको नोट डाउन करें, राइट डाउन करें अपने नोटबुक्स में।